यार जो अपनी कनोला थी ना वो भी रेडी टू हार्वेस्ट हो चुकी है। बट यार जनवरी के अंदर एक सीन हो चुका था, जनवरी और दिसंबर के अंदर मैंने सोचा यार भाई जो अपनी गेहूं ना इनके अंदर काफी ज्यादा घास फूस उग चुका है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। बट यहाँ पे मैंने जो अपना ट्रैक्टर था ना भाई उसको घुसेड़ दिया गेहूं के खेत में। तो गाइस यार फाइनली आज हम भी खेलने जा रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 22। ये वाला गेम यार आजकल ना काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो सबसे पहले जो गेम है ना उसको स्टार्ट करते हैं। ये वाले जो स्लॉट है यहाँ पर हम अपना गेम सेव कर सकते हैं। फर्स्ट स्लॉट में गेम सेव जो कि मैंने ऑफलाइन में खेला था, बट यार हम सेकंड स्लॉट से एक नया गेम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको करते हैं सिलेक्ट। तो यार मैं नया फार्मर हूँ तो एक बार इजी मोड सिलेक्ट करता हूँ। गाइस यार आप लोगों को इस गेम के अंदर भाई तीन मैप देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला जो मैप है वो है भाई एलरिक, और दूसरा मैप है अपना बेरिलियन, और जो तीसरा मैप है ना भाई वो है ये रहा इलेंग्रेंट। तो भाई तीनों मैप है ना वो काफी मजेदार है। बट यार जो हम गेम है ना वो फर्स्ट मैप से स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी यार जो दो मैप है ना उनको हम बाद में खेलेंगे। तो यार जो अपना गेम है ना उसको करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। ओके गाइस, तो यार देखो गेम के अंदर जो हम एंटर हो चुके हैं। बट यार अपने यहाँ पे एक कैरेक्टर चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो जल्दी से अपना कैरेक्टर हम जल्दी से चूज कर लेते हैं। ये वाले भैया ठीक रहेंगे, और इनकी दाढ़ी मूछ भी तो होनी चाहिए। सो गाइज यार फाइनली मैंने एक अच्छा सा कैरेक्टर अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है। अब भी करते हैं यार जल्दी से गेम को स्टार्ट। ओके फाइनली देखो यार जो गेम था ना अपना वो तो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम आ चुके हैं गेम के अंदर। ये भाई अपना घर है, और सामने की साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो अपना खेत है। बट यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा खेत हैं, लेकिन यार अपने सिर्फ गेम के अंदर तीन ही खेत होने वाले हैं स्टार्टिंग के टाइम पे। बाकी ये जो खेत है वो अपने को बाय करने पड़ेंगे। और यार जो गेम के ग्राफिक्स वगैरह ना भाई वो देखो यार कितने कमाल के हैं, काफ़ी तगड़े गेम के ग्राफिक्स। और भाई साहब अभी सुबह हो चुकी है, और ये भाई अपना काफ़ी तगड़ा सा फार्म हाउस है। अपने पास में काफ़ी ज़्यादा मशीनरी भी हैं, जैसे कि ये अपनी गाड़ी है, और पीछे की साइड में गैराज है, और अगर उधर की साइड में से लेना तो यार यहाँ पे अपना एक ट्रैक्टर खड़ा है जो कि यार काफ़ी बड़ा है और देखने में भी काफ़ी पावरफुल लग रहा है। इसको भी हम चलाने वाले हैं। और अगर सामने की साइड में हम चले ना, यहाँ पे अपने कुछ टूल पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे जो टूल है ना भाई वो अपने खेतों के अंदर यूज होने वाले हैं। यहाँ पर भाई अपने एक ट्रैक्टर खड़ा है, और उसके पीछे एक ट्रेलर भी लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कवर भी किया हुआ है ऊपर की साइड से। और उधर की साइड में चले ना तो ये वाला जो खेत है वो भी भाई अपना ही है, और उधर की साइड में भी एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। तो अभी देखो यार बात करते हैं इस गेम के स्टार्टिंग में। अपने को भाई गेम के अंदर ना स्टार्टिंग में 1 लाख यूरो या फिर आप डॉलर या फिर रुपए कुछ भी मान सकते हो, उनको 1 लाख मिलते हैं भाई। और भाई जो अपना टारगेट होता है ना वो ये होता है कि जो अपने पास में रुपए हैं ना 1 लाख उनसे ज़्यादा करें, उनको मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 1 लाख से भी काफ़ी ज़्यादा रुपए अपने को बनाने हैं इस गेम के अंदर। जो 1 लाख रुपये है वो भाई इसलिए दिए गए हैं अपने को ताकि हमें जो भी जरूरत की सामान या मशीनरी वगैरह या फिर सीड वगैरह है जो भी अपने को चाहिए ना वो उन पैसों की सहायता से हम काफ़ी इजीली खरीद सकते हैं। और इधर यार बात करें ना तो अपनी कंबाइन खड़ी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अभी यार हम मौसम की बात करें ना तो अभी यहाँ पे अगस्त चल रहा है, और अगस्त होता है ना भाई वो काफ़ी सही महीना होता है यहाँ पे वीट की कटाई करने के लिए। और यार आप लोग गेम के अंदर देखोगे ना तो यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, उसके अंदर पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई कौन से सीजन के अंदर या फिर कौन से महीने के अंदर कौन सी फसल है वो उगानी अपने को, और कौन से महीने में उसको हार्वेस्ट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पे मिल जाती है भाई, ये काफ़ी सही काम है। तो सबसे पहले जो सामने की साइड में अपनी गेहूँ है ना वो एकदम से पूरी रेडी हो चुकी है अपनी कटाई करने के लिए, तो इसको पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार जो मशीन है ना इस मतलब कि यार जो अपनी कंबाइन है इसको इससे अटैच करना है। ओके ये तो हो गया है। अब यार जो हार्वेस्टर है ना अपना उसको अनफोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद में भाई ये काम करने वाला है। ठीक है उसको भी अनफोल्ड कर दिया है। अभी सबसे पहले इसको नीचे की साइड में रखना है। ओके के जो ब्लेड थी वो हमने नीचे रख दिया, अभी इसको करना स्टार्ट। फाइनली ये तो स्टार्ट हो चुकी है। अब भी यार जो अपनी कंबाइन है इसको आगे की साइड में चलाना है, और जो अपनी गेहूं है ना वो भाई कटना स्टार्ट हो गई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ काफ़ी अच्छे से अपनी गेहूं की कटाई हो रही है यहाँ पे। और एक मिनट आप पीछे की तरफ देखोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा जो कि मशीन के पीछे से निकल रहा है। जो यार गेहूँ है ना वो तो कंबाइन के अंदर रह जाती है, बट जो खराब मटेरियल होता है ना जो मतलब ख़राब तो नहीं होता इसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी अपने पास में मशीनरी नहीं है इसको कलेक्ट करने के लिए, तो इसको एक काम करते हैं मतलब कि पूरे खेत के अंदर फैला देते हैं जिससे अपने खेत के अंदर मैन्यूर हो जाएगी, फर्टिलाइज़र हो जाएगी। तो अभी देखो ये पूरा का पूरा जो रो बन रही थी ना पीछे साइड में अभी वो नहीं बनेगी, अभी देखना पूरे खेत में फेंकने वाला है। आप देख रहे हो पहले देखो रो बन रही थी, अभी रो नहीं बन रही है। ओके यहाँ तक तो हमने काट दी अपनी गेहूं को काफ़ी अच्छे से। अब यार जो अपनी कंबाइन है ना उसको पीछे की साइड में करना है, और दोबारा से यार अपने को एक और राउंड लेकर के जाना आगे की साइड में। ओके गाइस देखो ये वाला जो काम है ना वो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, या फिर भाई हम किसी वर्कर को हायर कर सकते हैं इस काम करने के लिए। तो यार देखो ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को, तो यार मैं एक वर्कर को हायर कर लेता हूँ। ओके गाइस देखो अभी जो कंबाइन है ना उसके अंदर एक वर्कर बैठा हुआ है,
वही काम कर रहा है भाई, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। काफी तगड़ी कंबाइन मशीन है यार, अपनी आप देखो कितनी ज्यादा बढ़िया भाई है। इसका काम भाई ये है, इसको पूरी पूरी जो गेहूं है ना अपनी वेट है वो काटनी है, उसके बाद में अपना सिर्फ इतना सा काम है भाई, उधर ही साइड में जो ट्रैक्टर खड़ा है ना वो लेकर के आना और सारी की सारी वेट है ना वो उस ट्रॉली के अंदर डालनी है। अब भी यार बात करें तो ये वाला जो खेत है ना वो एकदम से खाली पड़ा है पूरा पूरा। इस वाले खेत को भी यार हम अपने यूज में ले सकते हैं। उसके लिए यार पहले जो खेत है ना उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। कल्टीवेट करने के बाद में कोई भी सीजनल फसल इसके अंदर हम उगा सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात करें ना तो सेप्टेम्बर के अंदर वेट उगा सकते हैं, ब्रेली उगा सकते हैं और जो कैनोला है ना वो भी हम उगा सकते हैं। यार जो कैनोला वगैरह नाम जितने भी आप सुन रहे हो ना भाई, ये अपने सरसों गेहूं के ही नाम है, कोई ज्यादा अलग फसल नहीं है भाई। ये वाला जो ट्रैक्टर है ना इसको भी हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसके अंदर बैठते हैं, ओके अंदर ही साइड में तो हम आ चुके हैं और जो टूल है ना वो अटैच करते हैं। पीछे की साइड में यार जो टूल था ना जो कि कल्टीवेशन के अंदर काम में आने वाला वो तो हमने अटैच कर लिया अपने ट्रैक्टर से, बट आगे की साइड में भी एक छोटा सा टूल है जो कि मतलब कोई टूल नहीं है, मतलब कि वेट है ये। अगर यार इस वाले वेट को हम आगे की साइड में अटैच कर लेंगे ना भाई, तो देखो हमने टेस्ट कर लिया है। अभी क्या होने वाला है कि जो अपनी मशीन है ना वो आगे से ऊपर की साइड में नहीं होने वाली है और जो काम है ना वो भी काफ़ी अच्छे से होने वाला है। सबसे पहले भाई जो अपना कल्टीवेशन टूल है ना इसको करते हैं नीचे की साइड में डाउन। ओके ये भी हो चुका है। अभी देखना यार कितनी अच्छे से यहाँ पे ये एकदम से कल्टीवेट करने वाला अपने खेत को। भाई देख लो ग्राफिक्स देखो यार गेम के कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ओके गाइस इसको भी मैं ऑटो पायलट पे कर देता हूँ, मतलब कि वर्कर हायर कर लेता हूँ। ओ भाई जैसे यार मैंने ऑटो पायलट पे किया ना पूरा पूरा खेत एंड हो गया था। अब यार देखो मेरे को दोबारा से एक राउंड लेना है, फिर मैं ऑटो पायलट पे करके छोड़ दूंगा भाई, फिर अपने आप कर देगा ये पूरा पूरा काम। मेरे को कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये वाला ट्रैक्टर है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, बट यार जो अपनी शॉप है ना भाई उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े ट्रैक्टर हैं, इससे भी भाई एकदम से बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं वो मैंने देखे थे, बट आप लोगों में भी मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। ओके गाइस देखो ये भी अपना काम करता रहेगा धीरे धीरे। उधर यार जो कंबाइन है ना वो तो अपना काम कर ही रही है और यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे भी अपने पास में एक ट्रैक्टर है। उधर इसके पीछे जो टूल लगा हुआ ना वो है भाई यहाँ पे एक मशीन है जो कि यार सीडर बोल सकते हो, जिसको आप लोग इंपॉर्टेंट काम होता है भाई इसका खेत के अंदर सीड वगैरह डालने के लिए, तो इसको भी पहले करते हैं कनेक्ट। ओके पहले वेट उठाना पड़ेगा, उसके बाद में सीडर उठाना पड़ेगा, अभी ट्रैक्टर का गियर डालना पड़ेगा। ओए मैं नीचे के उतर गया। हाँ अभी पहले ट्रैक्टर को आगे की साइड में करते हैं। ओके हो चुका है हो चुका है। अभी शीडर को करते हैं डाउन। ओके एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई यहाँ पे अपने को कौन सी फसल उगानी है वो सिलेक्ट करना है, वो सब यार इजीली हम वाई से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सारी फसलों के नाम आ रहे हैं, तो देखो हम कौन सी फसल उगाने वाले हैं वो अपने को देखना है। अभी पहले अपने को चेक करना पड़ेगा भाई कौन सा अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के अंदर भाई हम कैनोला उगा सकते हैं, तो भाई यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कैनोला। ओके कैनोला हमने सिलेक्ट कर दिया, अभी पायलट को हायर करते हैं या फिर बोलो वर्कर को हायर करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने वर्कर को भी हायर कर दिया है और इसने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया भाई, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है ये लोग, मतलब कि अच्छे लोग हैं भाई, कहने पर काम कर लेते हैं। ओके गाइस तो अभी देखो यार यहाँ पे ये तो अपना काम करता रहेगा, बट सामने की साइड में आप देखोगे ना जो अपनी कंबाइन है ना वो पूरी पूरी फसल काट चुकी है, मतलब कि अपनी गेहूं काट चुकी है पूरी, मतलब कि अपने गेहूं थे वो सारे सारे एकदम से कट चुके हैं। और यार ये काफ़ी अच्छी बात अपने लिए। अब भी यार जो वेट है ना वो अपनी कंबाइन के अंदर ही है, तो पहले ये वाला ट्रैक्टर उसके पास में लेकर के चलते हैं। ओके ट्रॉली भी हमने जोड़ लिया ट्रैक्टर के पीछे, इसको इधर जस्ट इसके पास में लाना है और यहाँ पे एक पाइप आउट होगी, उसके बाद में जितनी भी वेट कंबाइन के अंदर है ना वो सारी सारी अपने ट्रॉली के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। बट यार उससे पहले जो पीछे साइड में आप देख रहे हो ट्रॉली है इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ, उसको हटाना है एंड दबा करके इजीली हम उसको हटा सकते हैं। अब भी यार अपने को अपना ट्रैक्टर छोड़ के मशीन के अंदर मतलब कंबाइन के अंदर जाना है। ओके और पुल आउट करना है इस वाली पाइप को, वो हम इजीली ओ से कर सकते हैं, बट अभी देखोगे ना जो पाइप है वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी है, तो मेरे को थोड़ा यार मैं नीचे उतर गया, मेरे को थोड़ा देखो पास में लाना पड़ेगा। मेरे को लग तो ऐसे ही रहा कि नीचे की साइड में जा रहे हैं सारे, बट नहीं आ रहे ऐसा कुछ नहीं है, सारे सारे अपने ट्रैक्टर की और ट्रॉली के अंदर ही जा रहे हैं। और यहाँ पे आप नीचे की साइड में देख सकते हो कि 12 10 9 8 इतने परसेंट अपनी कंबाइन के अंदर गेहूं बचे हैं, बाकी पूरी पूरी मिट्टी हो चुकी है। ओके गाइस तो देखो गेहूं थे ना वो सारे सारे अपने ट्रेलर के अंदर आ चुके हैं और ये वाली जो कंबाइन है उसका अभी कोई काम नहीं है, इसको हम साइड में खड़ा कर देते हैं।
ओके गाइस देखो यार, जो कंबाइन थी ना अपनी, उसको मैंने इधर ही एक साइड कॉर्नर में पार्क कर दिया है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं, क्योंकि अपने पास में कोई भी फसल नहीं है। और ये वाला जो ट्रैक्टर है जो बीच में खड़ा है, इसको भी मेरे को साइड में हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे को कल्टीवेट करना है ये वाला खेत, और यहाँ पर दोबारा से मेरे को वीट उगानी है। कनोला भी उगा सकता हूँ, बट यहाँ पर मेरे को वीट उगानी है। और जैसे ही मैं सो करके उठूँगा ना भाई, जो मंथ है वो चेंज हो जाएगा, तो मेरे को बिल्कुल भी सोना नहीं है अभी तो फिलहाल। तो इसको करते हैं यहाँ पे खड़ा, और एक मिनट, इसको हम सेल भी करके आ सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ पर इसको हम बेच करके भी आ सकते हैं। ये वाला जो स्टोर है भाई, मेरा खुद का पर्सनली है, यहाँ पे भी मैं स्टोर करके रख सकता हूँ। जब भी भाई काफ़ी अच्छे तगड़े भाव मिलेंगे ना मेरे को, मतलब कि ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उस टाइम पर मैं इजीली इनको सेल कर दूंगा। तो जो ट्रेलर उसको मेरे को ऊपर की साइड में कर देना है। ओके गाइस, फाइनली देखो यार, अपने पास में जितने भी गेहूँ थे ना, वो सारे के सारे अपने स्टोर के अंदर जा चुके हैं। मतलब कि पता नहीं यार क्या नाम है इसका, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। ओके, ये वाला जो ट्रैक्टर है इसको यहाँ पे पार्क करते हैं एक मिनट, बट इससे कोई काम ले सकते हैं नहीं। उधर वाला जो ट्रैक्टर है ना, वो फ्री हो चुका है, इसने अपना पूरा काम अच्छे से कर दिया है। ओके, इसको यहाँ से हटाते हैं साइड में, इसको लेकर के चलते हैं भाई। ये वाला जो खेत है ना, इस वाले खेत के अंदर देखो, अभी हमने वेट उगा रखी थी। अगर दोबारा से इस खेत के अंदर हम कुछ भी उगाना चाहेंगे ना, तो इस खेत को दोबारा अपने को कल्टीवेट करना, उसके बाद में हम इसके अंदर कुछ उगा सकते हैं। ओके, इसको भी मैंने ऑटो पायलट पे छोड़ दिया, आप देख सकते हो ये भी काफी तगड़े से वर्क कर रहा है। ये वाला जो ट्रैक्टर है ना, वो भी भाई अपने काम में लगा हुआ होता है। ओके ठीक है, बट अभी देखो अपना ये सारा काम तो हो चुका है ऑलमोस्ट। ये वाला जो खेत है ना भाई अपना, इसके अंदर अपने वो पूरे के अंदर कल्टीवेट करना है, और इसके अंदर अपने वो सरसों की बीजनी है। और ये वाला ट्रैक्टर, इसके पीछे की साइड में एक और खेत दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, एक और मतलब फील्ड खाली है बड़ा। ये वाला अपना, इसके अंदर भी अपने वो यार फिर वेट भेजने पड़ेंगे, क्योंकि अभी देखो ये वाला जो खेत है ना, दोनों के दोनों इसके अंदर वेट भेजने हैं। ठीक है, ये काम तो अपना हो जाएगा, ये वर्कर कर रहे हैं। इतने में मैं यार आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। हाँ, मैं आप लोग भाई अपने ट्रैक्टर की कंपनी दिखा रहा था ना, ये वाला जो ट्रैक्टर है ना भाई, वो जॉन डियर कंपनी का है, और एकदम से मिडल लेवल का है। और जो ट्रैक्टर है ना, वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अपने पास में दूसरा ट्रैक्टर है ना, वो भी जॉन डियर का है, लेकिन इसकी जो लेवल है ना थोड़ी, और पावर या फिर स्पीड जो भी बोलो आप, वो उससे थोड़ी बेटर स्पेक्स आते हैं इसके, और ये भी कंपनी का जॉन डियर का ही है। और हम तीसरे ट्रैक्टर की बात करें ना, तो ये अपने पास में मेसे का ट्रैक्टर है 3670, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है ये वाला भी। और अपने पास में गाड़ी भी होनी चाहिए। ओके गाइस, लेजार्ड कंपनी के अपने पास में एक पिकअप भी है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अभी अपने को यहाँ से चलना है अपने स्टोर पे, जो कि यार काफ़ी नज़दीक है यहाँ से। अगर हम यहाँ से चले तो देखो, ये वाला है पेट्रोल पंप, इसके आगे एक मतलब कि रेस्टोरेंट बोल सकते हो आप उसको। अगर यार इसी रोड पे हम थोड़ी दूर चलते रहेंगे ना, तो उसके बाद में आज जो अपना मतलब कि अपनी व्हीकल शॉप आ जाएगी, जो कि अभी हम व्हीकल शॉप पे पहुंच चुके हैं। एक मिनट, पहले जो अपनी गाड़ी इसको पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे अपने वो दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है भाई, यहाँ पर आकर के हम अपनी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है वो है सर्विसिंग पॉइंट, यहाँ पे अपनी गाड़ियों को हम रिपेयर करवा सकते हैं, जो भी टूट फूट होती है वो। और आप नीचे की साइड में देखोगे ना, तो यहाँ पे अपने वो मिल जाएगा, एक तो मीटर लगा हुआ है जो कि स्पीड दिखा रहा है अपनी, एक भाई साहब मतलब मेंटेनेंस दिखा रहा है, और जो दूसरा मीटर है वो फ्यूल भी दिखा रहा है आप मतलब गाड़ी से उतर गए अभी तो मैं। तो सबसे पहले जो अपनी शॉप है ना, उसके अंदर एंटर करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले शॉप के अंदर हम चले जाए तो व्हीकल में आप देख सकते हो अपने पास में काफ़ी बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ट्रक है, हार्वेस्टिंग मशीन है, वेट लिफ्टर है, भाई काफ़ी तगड़े तगड़े व्हीकल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर हम टूल्स की बात करें तो यार अपने पास में टूल्स में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पोटैटो मशीन है भाई सब, पता नहीं यार क्या क्या है, कौन मशीन, मतलब बहुत हद से ज़्यादा चीज़ें आप लोग इस गेम के अंदर मिल जाएंगी भाई। 72 बात के तो फर्टिलाइज़र मिलने वाले आपको। और यहाँ पे अपने कुछ बीज वगैरह, फिर लिजार्ड कंपनी के ये भी सारे सीड वगैरह मिलने वाले हैं। और यहाँ पे देखोगे ना आप, तो काफ़ी सारे डीलर वगैरह अपने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो ये वाला काम तो अपना हो चुका है, यहाँ पे अभी अपना कोई काम नहीं है। बट यार थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र लेने के लिए आने वाले हैं। ओके यार, अपनी पिकअप को करते हैं स्टार्ट और अपने फार्म पर चलते हैं। यार जो अपना खेत था ना, उसके अंदर फालतू का घास फूस उग चुका है, उसको हम हटा देंगे। सबसे पहले अपने को यहाँ पे वेट उगानी है। तो देखो, हमने जो वर्कर था ना, उसको बाइक कर लिया, मतलब ये वर्कर हायर कर लिया है, ये अपना काम अपने आप कर देगा। अगर यार हम दूसरे खेतों की बात करें ना, तो उनमें चल करके हम देखते हैं। ठीक है, तू अपना काम करता रहा भाई, रुकना मत। ठीक है, ये तो अपना काम करता रहेगा, बट देखो ये वाला जो खेत है ना, इसके अंदर यार हमने शायद तक कैनोला उगा दिया था। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कैनोला है ना, उसकी स्टेज है, ग्रोइंग स्टेज है,
फर्टिलाइजर नहीं है भाई इसके अंदर, बिल्कुल ही फर्टिलाइजर नहीं है। और भाई इसके अंदर जो घास फूस था ना वो भी 50% तक उग चुका है। ऐसे तो यार जो अपनी फसल है ना भाई वो पूरी पूरी खराब हो जाएगी, इसको अपने वो बचाना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ से जो घास फूस है उसको हटाना पड़ेगा और फर्टिलाइजर डालनी पड़ेगी इसके अंदर। अभी देखो यार फर्टिलाइजर दो तरीके की होती है, एक तो होती है भाई केमिकल द्वारा बनाई जाती है, और दूसरी जो फर्टिलाइजर होती है वो बनती है जो एनिमल का वेस्ट होता है उनसे या फिर पेड़ पौधे पत्तियों पत्तियों से। वो तो अभी अपने पास में नहीं है यार, क्योंकि अपने पास में एनिमल्स नहीं है, पर अपने वो जो केमिकल द्वारा बनाई जाती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। सॉरी गाइस, हाँ जो केमिकल द्वारा बनाई जाती है उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं, जो एनिमल के वेस्ट से मिलते हैं उसको मैन्यूर बोलते हैं। तो यार अपने को फर्टिलाइजर लेकर के आनी है, तो फर्टिलाइजर लेने के लिए अपने को अपनी दुकान पे चलना पड़ेगा और ये वाला ट्रैक्टर है उसको लेकर के चलें कि भाई इस वाले को। ओके मैं ये वाला जो ट्रैक्टर है इसको लेकर के दुकान पर चलता हूँ, और जो ट्रॉली है ना वो इसकी यहीं पर हटा देता हूँ। ठीक है, ट्रॉली तो मैंने यहाँ से हटा दिया है। ओ भाई साहब क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब यार मैंने सोच लिया कि भाई पहले दिन ही मैं ट्रैक्टर तोड़ दूंगा पूरे पूरे इन लोगों के, मतलब यार अपने इन लोगों की क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं। ओके गाइस यार देखो फाइनली हम अपनी व्हीकल शॉप पे तो आ चुके हैं, बट यहाँ पे अपने को क्या करना है कि हाँ एक मिनट, पहले अपने ट्रैक्टर को यहाँ पे पार्क करना है, इससे नीचे की साइड में उतरना है और जो दुकान है उसके अंदर चलना है। अभी देखो यार हम शॉप के अंदर तो आ चुके हैं, अपने को यहाँ से टूल खरीदने हैं, तो टूल वाले सेक्शन में चलना पड़ेगा अपने को। ओके तो अपने को यार यहाँ पे ना काफ़ी तगड़े तगड़े फर्टिलाइजर वाले टूल देखने के लिए मिल जाएंगे, बट यार इनकी प्राइस देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा प्राइस है यार इनकी, तो मैं ये सारी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जो कि तीन है लास्ट वाली, पहली वाली यार $25,000 की है, बट काफ़ी ज़्यादा है तो यार इसको मजबूरी में लेना ही पड़ेगा, तो इसको भी मैंने बाय कर लिया है। अपने को सॉलिड फर्टिलाइजर चाहिए, तो यहाँ पे देखो आप काफ़ी सारी फर्टिलाइजर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, बट अपने को ये वाली लेनी है और ये लिजार्ड कंपनी की है और इसको हम बाय कर लेते हैं। ओके ओके गाइज फाइनली अपनी सारी की सारी शॉपिंग हो चुकी है, और हमने यार पहले दिन पता है कितने 40,000 रुपये की शॉपिंग कर ली है भाई, मतलब कि काफ़ी बड़ी रकम है। और अपना ट्रैक्टर है ना उसको लेकर के चलते हैं, तो सबसे पहले अपने को जो फर्टिलाइजर मशीन है ना उसको या फिर हाँ फर्टिलाइजर मशीन को लेकर के जाना है। ओ यार इसको मैं ठोक ना दूँ भाई पहले दिन। ओके ये कनेक्ट तो हो चुकी है, बट इसके अंदर अपने को फर्टिलाइजर डालनी है, तो भाई फर्टिलाइजर बॉक्स के पास में लाना है जस्ट अपने ट्रैक्टर को, और उसके बाद में आर प्रेस कर देना अपने को, मतलब आर दबा देना है, ऑटोमेटिकली जो भी फर्टिलाइजर होगी ना इसके पास में वो अपने अंदर ले लेगी। अब यार इसको लेकर के मेरे को अपने खेत में जाना है, उसके बाद में जितने भी मैन्यूर या अरे मतलब फर्टिलाइजर है ना उसको अपने खेत में बिखेरना है। ओके गाइस देखो यार फाइनली मैं अपने खेत के पास में भी आ चुका हूँ, और यहाँ पे ना एक वर्कर हायर करते हैं हम और स्टार्ट करते हैं अपने खेत के अंदर फर्टिलाइजर डालना। ओके ये वाली मशीन तो स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो भाई कितने अच्छे से फर्टिलाइजर डाल रही है अपने खेत के अंदर, भाई काफ़ी तगड़ी स्पीड से काम कर रही है वाली तो। ओके गाइस तो देखो जो फर्टिलाइजर थी ना उसकी मात्रा भी अपने खेत के अंदर 50% हो चुके हैं। ओके गाइस जब भी यार देखो फाइनली जो वीडर था उसको भी हम लेकर के आ चुके हैं, सबसे पहले यार इसको अपने खेत के अंदर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास फूस उग चुका है जो कि अपने कोई काम का नहीं है। ये वाला जो है ना उस फालतू की घास फूस को हटा देगा, और यार जो अपनी फसल है ना बाकी जो अपने काम किया है वो एकदम से अच्छे से रहने वाली है, तो यार इसके लिए भी हमने एक वर्कर हायर कर लिया है जो कि ये काम है ना वो काफ़ी अच्छे से कर देगा। ओके गाइस अब यार देखो फाइनली ना जुलाई आ चुका है, और भाई जुलाई के अंदर जो अपने वेट थे ना वो भी देखो एकदम से मतलब रेडी हो चुके हैं हार्वेस्ट करने के लिए, और यार जो अपनी कनोला थी ना वो भी रेडी टू हार्वेस्ट हो चुकी है। बट यार जनवरी के अंदर एक सीन हो चुका था, जनवरी और दिसंबर के अंदर मैंने सोचा यार भाई जो अपनी गेहूं ना इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा घास फूस उग चुका है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और अभी भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा घास फूस खड़ा है इसके अंदर, ये तो नहीं हटा। बट यहाँ पे मैंने जो अपना ट्रैक्टर था ना भाई उसको घुसेड़ दिया गेहूँ के खेत में, तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो अपनी फसल थी ना भाई वो पूरी बर्बाद हो चुकी है थोड़ी दूर की, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अपने वो सबसे पहले जो अपनी हार्वेस्टिंग मशीन, हाँ ये रही अपनी जो हार्वेस्टिंग मशीन है वो इधर की साइड में खड़ी है, इसके अंदर अपने वो बैठना है और भाई इसको लेकर के चलना है मेरे को पहले जो कनोला है ना उसको हार्वेस्ट करना है, और जो अपनी गेहूँ है उनको मैं बाद में हार्वेस्ट कर लूँगा, तो पहले उस वाले खेत से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस तो फाइनली जो अपनी कनोला है ना इसको करते हैं हार्वेस्ट। ओके मैंने एक वर्कर हायर कर लिया भाई, लेकिन ये लंजू बंजू वर्कर भाई दारू पीकर क्या करते हैं पता नहीं, देखो मतलब इसको भी यार खेत दिखाई नहीं दे रहा क्या, हार्वेस्टिंग मशीन को पता नहीं किधर की साइड में चला रहा है कि इसको दोबारा से एकदम से अच्छे डायरेक्शन में लगाते हैं।
ठीक है भाई, अब की बार अच्छे से काम कर रहा है ये। ओके तो खैर ये बार तो वर्क कर रहा है, ये सारा सारा काम कर लेगा भाई। और यार ऑफलाइन के अंदर ना मैं काफ़ी ज़्यादा जो गेम है ना उसको खेल लूँगा भाई, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा लूँगा, आप टेंशन मत लो। जो अपना नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है ना उसके अंदर हम बड़े बड़े ट्रैक्टर वगैरह खरीदने वाले हैं, अपने को लग्जरियस कार भी लेनी है, और भाई साहब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने को बाय करनी है इस गेम के अंदर। आप लोगों ने यार शॉप विजिट की थी उस टाइम पर देख लिया अपने पास में कितनी सारी कारें हैं भाई खरीदने के लिए, तो यार वह सब हम खरीदने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। सो गाइस यार आप लोगों से जल्दी मिलते हैं कोई नई मजेदार वीडियो के साथ में, तो यार तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।